वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और धुआंधार सभा और रोड शो कर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं। इसी के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 अप्रैल को चुनावी सभा को संबोधित करने धमतरी पहुंच रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी महासमुंद और कांकेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी को मत देने मतदाताओं से अपील करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम श्याम तराई कृषि उपज मंडी के पास होगा, जिसकी जोर शोर से तैयारी भाजपा द्वारा किया जा रहा है। वही कार्यक्रम के लिए डोम तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पीएम के कार्यक्रम में कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लोग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी का प्रस्तावित कार्यक्रम धमतरी हुआ है और हमारा प्रस्ताव बन के जा चुका है, उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। 23 तारीख को 3 बजे उनकी आम सभा हमने प्रस्तावित की और उसी की चर्चा कर ले हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम प्रशासन से आज बात करने आए थे और प्रशासन से चर्चा हुई है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल हुए, पहला कार्यक्रम बन रहा है, उनको लेकर व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रदेश में 11 की 11 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनाव में लग चुके हैं। 11 विधानसभा जीते, स्थल चयन हो चुका है, श्याम तराई में सेंटर बनाया गया है, श्याम तराई में ही लोकसभा की आम सभा होगी। इसमें धमतरी और कांकेर लोकसभा के कार्यकर्ता आएंगे।